हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति खाना खजाना। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और आप लोगों को पता ही है कि व्रत के लिए हमें फलाहार की बहुत जरूरत होती है और लड्डू गोपाल को भोग भी लगाना होता है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सिंघाड़े की बर्फी। हम सिंघाड़े का कतरा भी कहते हैं। हम लड्डू गोपाल को इसका भोग भी लगाने वाले हैं और व्रत भी इससे ही तोड़ने वाले हैं। तो चलिए, इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक पैन चढ़ा लिया है। इसमें एक चम्मच देसी घी डालें। याद रहे, आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हमें इसमें ये सिंघाड़े का आटा ऐड करना है। दोस्तों, ये 250 ग्राम का पैकेट है, हमें ये पूरा पैकेट ले लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। दोस्तों, आटा घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमें इसे लो फ्लेम में तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से भून गई है, कलर चेंज हो गया है और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हमें इसमें बाकी की चीजें ऐड करनी है। यहाँ मैंने थोड़े बादाम लिए हैं, ये डाल दीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इलायची पाउडर, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। एक चम्मच के करीब गुलाब जल, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। और अपने स्वाद अनुसार चीनी। दोस्तों, आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल 2 से 3 चम्मच चीनी ही यूज करूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा मीठा खाना नहीं पसंद है और चीनी इसमें बिल्कुल कंपलसरी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ मैं 1 मग पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा पानी और ऐड करें। देखिए इस तरीके से इसे अच्छी तरह से सारे आटे में मिक्स करें। और दोस्तों, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई न रखें, जिसे हमें लो फ्लेम में ही बनाना है। दोस्तों, ये आटा पानी बहुत ज्यादा सोखता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से मिक्स हो गई है। हमें इसे 1 से 2 मिनट कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है। दोस्तों, इसमें थोड़ा 1 कप के करीब दूध डालें। ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं, उसे भी ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों, ये बनकर रेडी है। अब हमें एक थाल तैयार कराएं। बिना देर किए ही एक थाल रेडी कर लें क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाती है। हमें इसे गरम गरम ही उस थाल में ट्रांसफर करना है। दोस्तों, इसे सूखने से पहले ही इवनली स्प्रेड करते जाएं। हमें इसमें नारियल का बुरादा डालना है। दोस्तों, ये बनकर रेडी है। हमें इसे 2 से 3 घंटे इसी तरीके से सेट होने देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सिंघाड़े का कतरा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब हमें चाकू की मदद से इसे कट कर लेना है। दोस्तों, ध्यान रहे आप इसे गर्मा गर्म ना कट करें। दोस्तों, ये सिंघाड़े का कतरा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे बोल सकते हैं सिंघाड़े की बर्फी। आप इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को इसका भोग जरूर लगाएं और अपने व्रत रखा हो तो आप इससे अपना व्रत भी तोड़ सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें।